नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। कॉफी विद करण इन दिनों काफी सुर्खियों में है। फिल्म मेकर करण जौहर का चैट शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित हो रहा है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में हीरोपंती स्टार कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ शिरकत करेंगे। इस दौरान दोनों अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोलते नजर आएंगे। शो में जहाँ टाइगर ने दिशा पटानी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की, वहीं एक्ट्रेस कृति सेनन भी आदित्य रॉय कपूर की जमकर तारीफ करती नजर आई। इतना ही नहीं, कृति ने करण जौहर से यहां तक कह दिया कि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। कॉफी विद करण में करण जौहर ने ये भी खुलासा किया है कि उनकी पार्टी में कृति और आदित्य रॉय कपूर को एक कोने में साथ देखा गया था। इसका जवाब कृति ने दिया कि वो दोनों एक कोने में नहीं थे। साथ ही एक्ट्रेस ने ये बात भी कबूल की कि वो और आदित्य रॉय कपूर एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। कृति सेनन ने कॉफी विद करण सेवन में कहा कि आदित्य एक अच्छा लड़का है और उनके साथ रहना मजेदार है। जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं तो बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। करण जौहर ने कृति की बातों पर रिएक्ट करते हुए कहा कि वो दोनों की एक मीटिंग करवा सकते हैं। करण जौहर ने कहा कि उनका एक रेस्टोरेंट है जहाँ कृति और आदित्य एक साथ जा सकते हैं और हैंग आउट कर सकते हैं। करण की बात पर कृति ने हामी भरी। बता दें कि एक्ट्रेस कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ फिल्म गणपत पार्ट वन में साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में कृति का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। ये फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। इस फिल्म के अलावा एक्ट्रेस कृति सेनन ओम राउत के फिल्म आदि पुरुष में एक्टर प्रभास के साथ नजर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।